हे गाइस, कैसे आप सब लोग? आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये रेड कलर का दुपट्टा अपने वेस्ट पे क्यों बांधा है, तो वो भी मैं आगे चलकर बताऊंगी। बट उससे पहले मैं कुछ आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। आपने ये नारा तो बहुत सुना होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या सच में ये फॉलो हुआ है? इस नारे से ना कुछ हद तक तो हम लड़कियों के प्रति जो लोगों की सोच थी उसको हम थोड़ा बहुत तो बदल पाए हैं, पॉजिटिव सोच हम ला सके हैं। बट क्या आपको लगता है कि लड़कियां आज फिर भी खुल के अपनी दिल की बात घर में शेयर कर सकती है? फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ तो पीरियड्स की, पीरियड्स जैसे मामूली से टॉपिक का या छोटा सा टॉपिक लड़कियां खुल के अपने घरों में इसके बारे में बात कर सकती हैं। हमने लड़कियों को ना आजकल पढ़ाई का माहौल तो दे दिया है, हम उनको बाहर जाके बाहर भेजते हैं पढ़ाई के लिए, हम उनको अच्छी एजुकेशन दिलवाते हैं। बट क्या इसके बारे में हमने उनको कभी एजुकेशन के बारे में सोचा है, या घर पर ही हमने उनसे कभी इस बारे में बात करी है? नहीं ना। तो ये कैसा वुमेन एम्पावरमेंट हुआ, या कहें इससे बड़ी हिपोक्रेसी क्या हो सकती है? चलो मैं कुछ और एग्जांपल देती हूँ। अब जैसे कि नवरात्रे स्टार्ट होने वाले हैं, नवरात्रे आएंगे, सब लोग इसे अपने घरों में बड़े धूमधाम से मनाते हैं। 9 दिनों तक पूरी माता रानी की पूजा करते हैं, प्रसाद बनाते हैं, कन्या जमाते हैं, लड़कियों को पूजा जाता है, कन्याओं को पूजा जाता है, माता को पूजा जाता है। तो पर अगर इन्हीं 9 दिनों में किसी गर्ल्स को या वुमेन्स को कभी पीरियड आ गए, तो फिर वही चीज़ बंद क्यों हो जाती है? क्यों उन्हें पूजा करने नहीं दी जाता? क्यों उन्हें उस कमरे में आना बंद हो जाता है? क्यों उन्हें बिल्कुल फास्ट रखने नहीं दिया जाता? क्यों उन्हें रोक दिया जाता है कि अब आपको पीरियड्स हो चुके हैं, आप इसके आगे फास्ट नहीं कर सकते? तो यही बाहर जाके तो आप बड़ी बड़ी बातें करते होंगे, लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की बातें करते होंगे, बड़े बड़े ज्ञान देते होंगे, बट घर में ही आके ये सब बातें, नॉर्मल सा पीरियड इतना बड़ा बात क्यों बन जाती है, जिसके कारण कई चीज़ों में रोक शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा लड़कियां बाहर जाती हैं, इधर उधर पढ़ती हैं, तो उस समय हम लोगों को बहुत खुशी होती है कि हाँ उनका बच्चा वहाँ पढ़ रहा, उनका बच्चा वहाँ पढ़ रहा। बट जब यही बातें अपने घर पे आती हैं, अपने घर की बेटी को हमें बाहर भेजना होता है, तो इतने सारे सवाल हमारे मन में क्यों आते हैं, या क्यों इसको लेके इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है? छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना दिया जाता है ओनली सिर्फ गर्ल्स के लिए। क्यों इसकी वजह से, क्यों पीरियड्स की वजह से एम्बैरेसमेंट फील करे लड़की? अगर हम मार्केट में कभी पैड बाई करने जाते हैं तो क्यों उसे पॉली में रैप करके दिया जाता है? क्यों हमें शर्म आती है कि इसे कोई देख ना ले? तो इन सब चीज़ों को क्यों रोक नहीं दिया जाता है, या इसको एक हिपोक्रेसी ही तो कहेंगे? अगर आप भी यही सब चीज़ें करते हैं तो ये सोच बताते कि आप कितने बड़े हिपोक्रेट हैं। तो इसी सोच को बदलने के लिए एवरटी ने एक छोटा सा इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। तो चलिए, अगर आप भी इसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो बांधिए अपनी कमर पे रेड कलर का कपड़ा, और सोशल मीडिया पे एक फ़ोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डालें, टैग करें एवरटीन को और कहें #bloodyhypocrisy। तो बाकी पीरियड्स में आपको कंफर्टेबल कराने के लिए एवरटीन के नीम एंड सेफ फ्लावर सैनिटरी पैड तो है ही, जो आपको बचाता है इन्फेक्शन और पीरियड्स में होने वाले ईचिंग और रैशेस। सो व्हाट आर यू वेटिंग? अभी नहीं तो कभी नहीं।